Assalamualaikum everyone, this is Shireen Hussain and you are watching my video on my YouTube channel Days and Nights of Islamabad. आज मैं एक नई जगह पे आई हूँ जहाँ का टेस्ट जो है वो होपफुली बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, मेरे लिए नया नहीं है. मैंने उसको कराची में खाया हुआ है. ये एक ईरानियन डिश है जिसका नाम चुल्लू कबाब है. मैंने कराची में दो तीन दफ़ा इसको खाया हुआ है और वहाँ पर इसका टेस्ट जो है वो तो बहुत कमाल है. और उसकी रीज़न ये है कि ये चूँकि एक ईरानियन डेलिकेसी है तो इसलिए वहाँ मतलब उन्होंने ईरानियन कुक ही रखा हुआ है. इनफैक्ट जो बंदा वहाँ का ओनर है वो भी ईरानियन ही है तो इसलिए उसको उसकी एग्जैक्ट डेलिकेसी पता हुआ है. और ये मैंने ईरान में भी खाया हुआ है, दैट इज़ वाई आई नो एग्जैक्टली कि इसका टेस्ट क्या होता है. अब यहाँ इस्लामाबाद में मैंने एक जगह पर डिस्कवर किया, उमर ख़याम रेस्टोरेंट है ब्लू एरिया में, कुलजूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे. तो अब आज मैं वहाँ पे खाने के लिए आई हूँ. बाहर से देख के तो मुझे खासी मायूसी हुई, एक बहुत छोटा सा उसकी एंट्रेंस थी लेकिन जब मैं उसके अंदर एंटर हुई हूँ तो उन्होंने थोड़ा सा उसकी मतलब बेहतर है, बेसमेंट में है और उन्होंने उसकी थोड़ी सी ऐसी लुक बनाई हुई है कि मतलब जैसे ईरानियन आर्ट है वो थोड़ा डिस्प्ले किया हुआ है और उसकी लुक, उसके कारपेट्स वगैरह, ईरान आपको पता है कि कारपेट्स के लिए जो है वो फेमस है तो वो थोड़ी सी लुक देने की कोशिश की हुई है तो अंदर से उतना मायूस नहीं है. तो लेकिन जब मुझे मैंने उनसे पूछा है, डिटेल पूछी है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा कुक अफ़गान है और हम उनको मतलब ईरानी कुकिंग से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको सिर्फ रेसिपी पता है. सो लेट्स सी कि जब ये आता है तो फिर कैसा होता है. फिर मैं उसका, चूँकि मैंने ओरिजिनल ईरान का भी और जो ओरिजिनल कराची में ये चुल्लू कबाब की एक्चुअल ब्रांड है उसका भी मैंने ट्राई किया हुआ है, सो मैं आई विल पुट माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑन इट. सो मैं देखती हूँ कि अब ये क्या है. तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. अल्लाह हाफिज़. सो लुक तो उसकी ऑलमोस्ट वैसी ही है. इसकी में बेक पोटैटो है, बटर है, अनियन है. अनियन भी वैसे बेक था लेकिन इसमें कच्चा अनियन ही रखा हुआ है. कबाब है एंड राइस है, ऊपर ज़ाफ़रान की टॉपिंग है एंड अनार की टॉपिंग है. अनार की चटनी और अनार का पाउडर ये ईरानियन डिशेज़ की स्पेशलिटी होती है. उन्होंने एक पाउडर भी दिया है साथ में जो कि इसका, आई होप ये अनार का पाउडर है. अनार के ये किस चीज़ का पाउडर? अच्छा, ये स्पाइस है कोई जो उन्होंने स्पेशल उसके लिए वो किया हुआ है. सो नाउ आई विल ट्राई एंड आई विल शेयर माय रिव्यू. तो खाना मैंने खा लिया है. खाना अच्छा था, 7 out of 10. लेकिन अगर किसी ने ओरिजिनल ट्राई नहीं किया हुआ ना तो उसके लिए तो बेहतरीन था क्योंकि अगर इंडिविजुअली इसका टेस्ट देखा जाए तो इट्स गुड. लेकिन अगर किसी ने ओरिजिनल भी ट्राई किया हुआ है तो उसको फिर पता चलेगा कि इसमें थोड़ी सी जो है वो ऊपर नीचे चीज़ें थी. तो इसलिए आप ट्राई ज़रूर करें लेकिन अगर किसी ने ओरिजिनल ट्राई किया हुआ है तो उसे कंपेयर मत करें क्योंकि उसके कंपैरिजन में ये वैसा नहीं था जैसा ओरिजिनल का टेस्ट है. और दूसरा ये कि ये इट्स नॉट सो इकोनॉमिकल, थोड़ा एक्सपेंसिव है. और फिर अगर आप कोई ऐसा अपना कोई आपका गेस्ट है या आप खुद कॉन्टिनेंटल खाना पसंद करते हैं तो फिर आप यहाँ पर ज़रूर आएँ. और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, बुरा नहीं था. लेकिन वंस अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि जिन लोगों ने ओरिजिनल ट्राई किया हुआ है या कराची का या ईरान का, उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट हो लेकिन इंडिविजुअली यानी अगर आप इसको सेपरेट करके उसे देखें तो टेस्ट अच्छा था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. कीप शेयरिंग. अल्लाह हाफिज़.